हिंदी दिवस। गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। क्या बात है, आज एकदम शुद्ध हिंदी। आज तारीख क्या है? 14 सितंबर। गलत, आज 14 सितंबर नहीं, 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। कम से कम आज तो शुद्ध हिंदी बोलो। सॉरी यार, मैं भूल गया था। सॉरी? उफ, गलती हो गई। हमारे मुंह में या इंग्लिश इतनी फिट बैठी है ना कि सॉरी, ओहो माफ करो, इंग्लिश इतनी चिपक के बैठी है ना कि हम चाहकर भी पूरा एक वाक्य शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते। इसीलिए आज के दिन हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। तभी वहाँ गट्टू और चिंकी आते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। गुड मॉर्निंग नहीं, शुभ प्रभात कहो। और पापा मम्मी नहीं, माताजी पिताजी कहो। आप क्या कह रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। फिर से पापा। सॉरी पिताजी। सॉरी? आप मुझे कोई समझाएगा कि ये सब क्या चल रहा है? मैं समझाती हूँ बच्चों, आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा गया था, तो क्यों ना हम आज के दिन शुद्ध हिंदी में बात करें। फैंटास्टिक आइडिया। चिंकी, शुद्ध हिंदी, इंग्लिश नहीं। ऐसा है तो फिर आप इंग्लिश में क्यों बोली? मैं कहाँ इंग्लिश में बोली? अभी तो कहा। क्या? इंग्लिश। अरे तू कहना क्या चाहता है? वह यह कहना चाहता है कि तुम अंग्रेजी को इंग्लिश बोल गई। हिंदी में इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं। आप भी बोली। क्या? इंग्लिश। कब? अभी तो बोले। ओह गॉड। फिर से बोले। हे भगवान, मैं तो भाई ऑफिस, सॉरी माफ करो, कार्यालय निकल रहा हूँ। गट्टू और चिंकी स्कूल आते हैं। मिश्रा सर बच्चों से कहते हैं, बच्चों आज कौन सी तारीख है? 14 सितंबर। आज क्या विशेष है? आज हिंदी दिवस है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम सब एक दूसरे के साथ सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे, इंग्लिश का उपयोग भूलकर भी नहीं करेंगे। सर भूल तो आपने ही कर दी, हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लिश नहीं। भूल तो तुमसे भी हुई है चिंकी, हिंदी में गुरुजी कहते हैं, सर नहीं। यह सुनकर मिश्रा सर के साथ साथ पूरा क्लास हंसने लगता है। तभी क्लास में हेडमास्टर पांडे आते हैं। यह हंसी किस बात पर हो रही है? कुछ नहीं महोदय, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, हिंदी बोलने के लिए भी अंग्रेजी का सहारा लिया जा रहा है, इसीलिए सब हंस रहे हैं। अच्छा मैं समझ गया। बच्चों चिंता ना करो, आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐसे वक्त आपको संबोधित करेंगे कि आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। अब मैं शुक्ला जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आएं और बच्चों से वार्तालाप करें। शुक्ला जी माइक पर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स। शुक्ला की बात सुनकर टीचर्स और बच्चे सब हैरान हो जाते हैं। आप चौंक गए होंगे कि हिंदी दिवस होने के बावजूद भी मैंने अंग्रेजी में आपको हेलो कहा, फ्रेंड्स कहा। बच्चों मैं भी जब आपकी उम्र का था और हमारे स्कूल में जब हिंदी दिवस मनाया जाता था, तब हमको भी शुद्ध हिंदी में बोलने को कहा जाता था। आपकी तरह हम भी शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल बैठते थे और फिर हमारा भी मजाक बनाया जाता था। यह हर साल होता है, हिंदी दिवस आता है तो शुद्ध हिंदी में बात करो और दूसरा दिन भूल जाओ। गलती आपकी नहीं, गलती हम बड़ों की है। हम सीजनेबल बन गए हैं और आपको भी वही बना रहे हैं। अरे भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, एक ही दिन क्यों, साल भर हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं, आज के दिन ही हम नमस्ते कहते हैं और कल फिर से हेलो हाय बाय बाय पर आ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक ही दिन सिर्फ हिंदी में बात करना और बाकी के दिन अंग्रेजी झाड़ना ढोंग है। आप देश के भविष्य हैं, साल के एक ही दिन हिंदी भाषा बोलकर दूसरे दिन भूल नहीं जाना है। हमें हर दिन हर घंटे हमारा देश, हमारी भाषा और देश के लोगों से प्यार करना है, तभी हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। जय हिंद जय भारत। ओहो, इतना सब कहा उन्होंने? सच कहा उन्होंने,
हमें भी बच्चों को सिर्फ आज ही के दिन हिंदी में बात करने का आग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए। और मैंने सुना है जो बच्चे अपनी मातृभाषा अवगत कर लेते हैं वह दुनिया की कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों क्या कहते हो? पापा हमें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच जैसी सभी भाषाएं सीखनी है, लेकिन पहले हमें हमारी हिंदी मजबूत बनानी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हिंदी में बात करो, हिंदी पढ़ो और हिंदी सुनो।